दोस्तों, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? ये सवाल आपने भी अपने दिमाग में कई बार सोचा होगा। अगर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो हाँ, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। लेकिन ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब आप पूछोगे कि क्या किसी ने टाइम ट्रैवल किया है, हमें तो प्रैक्टिकल में बताओ। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी ही वीडियो और कहानियाँ दिखाएंगे जिसको देखकर आप भी यकीन करने लगेंगे कि हाँ, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। और ये अब खाली थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी संभव है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आप जो देख रहे हैं, ये पेंटिंग बनाई गई थी 1670 में पीटर डी हुच द्वारा। अब यहाँ इस महिला के हाथ में ये क्या है? ये कोई आईफोन जैसी वस्तु दिखाई दे रही है। क्या ये एक आईफोन है? अगर हमारे वैज्ञानिक सोच वाले दोस्तों की माने तो ये एक शीशा है जो ये महिला दूसरी महिला को दे रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि सन 1670 में चेहरे देखने वाले शीशे गोल हुआ करते थे, और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यह वस्तु जो भी है, लेकिन इसकी जो स्क्रीन है वो मोबाइल जैसी ही दिख रही है, जैसे कि हम आज के मोबाइल को देखते हैं। तो क्या पेंटर लगभग 450 साल पहले किसी आईफोन को देखा था, या भविष्य से गए किसी इंसान ने इसे इस फोन के बारे में कुछ बताया था? ये आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। अब हमें थोड़ा और आगे चलना होगा। ये बात है सन 1908 की, जब चार्ली चैपलिन की एक मूवी में एक महिला फोन पर बात करती नजर आई। लेकिन मजे की बात यह है कि उस समय इस महिला की वीडियो को किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि उस समय मोबाइल के बारे में कोई जानता ही नहीं था। पर हम आपको बता दें कि पहला मोबाइल फोन सन 1973 में बना था। तो क्या यह महिला भविष्य से चार्ली चैपलिन की मूवी देखने आई थी? लेकिन इस वीडियो की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है, जो कि एक बहुत बड़ा राज है, वो है कि बिना मोबाइल टावर के, बिना सैटेलाइट के, इनके फ़ोन से बात कैसे हो रही है? क्या ये भविष्य से कोई ऐसा डिवाइस लेके आई है जो बिना टावर के भी काम करता है? अब जो आप मूर्ति टाइप आकृति देख रहे हैं, ये ग्रीक के एक आर्टिस्ट द्वारा 100 BC में बनाया गया था, जिसमें आप साफ साफ एक लैपटॉप को देख सकते हैं, जिसको एक महिला उसको अपने हाथ से एडजस्ट कर रही है। इसमें आप 2 USB पोर्ट भी देख सकते हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि ये कोई ज्वेलरी बॉक्स है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको 2 USB पोर्ट भी नजर आएंगे, जो इसके लैपटॉप होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। मंगोलिया में जब आर्कोलॉजिस्ट एक टोम की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें अचानक कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्हें वहाँ एक मम्मी मिली, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस मम्मी ने जो कपड़े और जूते पहने थे वे बिल्कुल आधुनिक तरह के थे। उसने जो जूते पहने थे वो आज के एडिडास से बहुत मिलते जुलते थे, जिनकी सोल चमड़े की थी, और उन जूतों पर आधुनिक मशीनों द्वारा सिलाई भी की गई थी। यह मम्मी लगभग 1500 साल पुरानी थी। जूतों के अलावा इसके पास से एक स्टाइलिश जैकेट और एक बैग मिला, जिसके अंदर एक चमकदार चाकू भी था। रिसर्चर ने बताया कि यह एक 30 से 40 साल की महिला थी, जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी। शायद ये भविष्य से आई कोई टाइम ट्रैवलर थी, जिसे पुराने टाइम के लोगों ने मारकर मम्मी बना दिया। कनाडा में सन 1941 में साउथ शोर ब्रिज के उद्घाटन के समय कुछ तस्वीरें ली गई। 2004 में ब्रालोन पाइनर म्यूजियम ने इन तस्वीरों को जारी किया, लेकिन इन तस्वीरों में कुछ अलग सा था। यहाँ आप देख सकते हैं, एक इंसान ने सबसे अलग तरह के कपड़े पहन रखे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसने जो कपड़े पहने थे वो 1941 के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है? इसने सनग्लासेस, मॉडर्न जैकेट और एक प्रिंटेड लोगो वाली टी शर्ट पहनी थी, जो उस समय के हिसाब से नहीं लगती। बाद में यह फोटो मॉडर्न हिपस्टर के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये बात है सन 1995 की, जब माइक टायसन का एक बॉक्सिंग मैच चल रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक टाइम ट्रैवलर भविष्य से इस मैच को देखने आया। आप देख सकते हैं कि एक इंसान अपने मोबाइल फोन से यह मैच रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन आपको बता दूं कि सन 2000 से पहले कैमरे वाले फ़ोन बने ही नहीं थे, और ये कोई डिजिटल कैमरा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि डिजिटल कैमरा हमेशा हॉरिजेंटल इमेज लेता है, और यह जो भी है इसने वर्टिकल फोटो ली थी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एक टाइम ट्रैवलर था जो भविष्य से माइक टायसन के मैच को रिकॉर्ड करने आया था? कमेंट में जरूर बताइए। अब जो टाइम ट्रैवल का एविडेंस मैं आपको दिखाऊंगा, उसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे।
सन 1936 में टेक्सास के अंदर मैक्सहेन अपनी पत्नी के साथ हाइकिंग पर निकले थे तो अचानक उन्हें चट्टान में एक हथौड़ा धसा मिला। उस हथौड़े को वह उस समय अपने घर ले आए। जब चट्टान का अध्ययन किया गया तो पता चला कि जिस चट्टान में यह धसा हुआ था वह लगभग 100 से 115 मिलियन साल पुरानी थी, जबकि अगर हम मानव की उत्पत्ति माने तो यह सिर्फ 2 लाख साल पहले हुई थी। लेकिन रहस्य की बात यह है कि जिस लकड़ी में यह हथौड़ा फिट किया गया था वो अंदर से कोयला बन चुकी थी, और लकड़ी को इस तरह प्राकृतिक रूप से कोयला बनने में लगभग लाखों साल लग जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने यही हार नहीं मानी, उन्होंने इस मेटल की कार्बन डेटिंग करवाई। हम आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग किसी वस्तु की उम्र या उसके बनने का समय बताने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उस कार्बन डेटिंग प्रयोग में भी इस हथौड़े का बनने का समय 100 मिलियन से ज़्यादा पुराना बताया गया। तो क्या हुआ, या तो हम जो मानव उत्पत्ति के बारे में जानते हैं वो सब गलत है? क्या करोड़ों साल पहले भी ऐसी सभ्यता थी जो लोहे का इस्तेमाल जानती थी? बहुत से यूएफोलॉजिस्ट इस हथौड़े को एंशियंट एलियन के साथ जोड़कर देखते हैं। उनके अनुसार एलियन ने प्राचीन काल में हमें जो ज्ञान दिया था जिसके कारण हमारा विकास हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि यह हथौड़ा किसी टाइम ट्रैवलर का है जो डायनासोर को देखने गया 115 मिलियन साल पहले, लेकिन अपना हथौड़ा वहीं भूल आया। लेकिन जो भी हो, यह हथौड़ा आज तक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब हम आपको दिखाते हैं अबाइडोस के टेंपल ऑफ सेती की कुछ तस्वीरें। अब आप जो चित्रलिपि देख रहे हैं ये लगभग 3000 से 5000 साल पुरानी है। इस तस्वीर में आप एक हेलीकॉप्टर, टैंक, फाइटर जेट जैसी आकृति देख सकते हैं, लेकिन 5000 साल पहले कैसे किसी आर्टिस्ट ने यह सब बिना देखे इन चीज़ों की चित्रलिपि बना दी? क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग ही भविष्य से जाकर पिरामिड को बनाने में मदद करेंगे? बाकी जो भी हो, यह चित्रलिपि एक टाइम ट्रैवल का पक्का सबूत है। यह घटना जब हुई जब कुछ वैज्ञानिक ऑस्ट्रिया में एक खुदाई कर रहे थे, उन्हें एक रहस्यमय वस्तु मिली। ये लगभग 800 साल पुरानी बताई जा रही है। इसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह लगभग 1200 ईस्वी में बनी थी। लेकिन अगर हम इस वस्तु को देखें तो ये हमारे आज के फ़ोन से बहुत मिलती जुलती है। इस पर ठीक उसी तरह कीपैड बने हैं जिस तरह कुछ समय पहले नोकिया के फ़ोन पर देखे जा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये सिर्फ एक कल्पना द्वारा बनाया गया था या फिर इसे बनाने वाले ने कोई मोबाइल जैसी चीज़ देखी थी? तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या हमारे जाने बिना बहुत से लोग टाइम में पीछे जाते हैं? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और जितना उसके कमेंट और शेयर करना।